बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाम सच तो ये है कि आज आप रोजाना ईमान सिखाते हैं। जी हाँ नाते, आज का सच ये भी है कि पाकिस्तान फोटोग्राफी का सम्मान दुनिया के बेहतरीन फोटोग्राफी होता है। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों को अपने कैमरे की आंखों में खुद करके दुनिया के सामने इस तरीके से पेश किया, लोग वाकई में उसे मेहनत, लगन और हिम्मत से ऐसे ऐसे खतरनाक रास्तों पर जाकर दिलकश मनाजिर को अपने कैमरे की आंख में महसूस करते हैं। ये लोग कैसे भी हिम्मत करते हैं, क्या क्या मुश्किल सामने आती हैं, इसी बारे में मालूम हासिल करने और पाकिस्तान को ये टूरिज्म के जरिए टूरिज्म के लिए क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं, इन्हीं बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने पाकिस्तान के टॉप 5 में से एक फोटोग्राफर को अपने प्रोग्राम में मदद किया है। इनका नाम है मुबीन मजहर। ये ट्रैकर है, हाइकर एंड अ नेचर फोटोग्राफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं आपकी जब सर्च कर रही थी तो आपका टूरिज्म इन पाकिस्तान, आपको ये शौक कैसे हुआ, क्या बचपन से ही था, शौक जुनून की हद तक कैसे पहुँचा, नाते जानना चाहते हैं। जी आप कह सकते हैं कि 2008 से ऑनवर्ड्स मैंने माउंटेनियरिंग को खैर लेट शुरू की, लेकिन हाइकिंग शुरू कर दी थी कलियान के ट्रैक, ये जब मैं 13-14 साल का था। तो कोर्सेज पर जाया करते थे, वहाँ पर कैंपिंग होती थी कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, और उन ट्रिप्स की वजह से वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज होती थी, कम्पिटिशन थी कि कहीं इसी एडवेंचर रन्स, टाइम रन्स और इस तरह के लाइक टीम इवेंट्स होते थे, तो माउंटेन्स में इस तरह की इक्विपमेंट्स करके वो एक शॉप डेवलप हुआ, और फिर बीच में स्टूडेंटशिप में कुछ नहीं है, मैं भी जब जहाँ पे जा रहा हूँ चीजें कैमरा और सारा सामान बोरो करके जाना पड़ता था, तो साल दो साल तीन साल में कोई एक आधा ट्रिप हो पाता था। तो फिर मैं बाय द वे बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग होती है 4 साल, उसमें हमें छोटा सा स्टाइपेंड फ्री किया जाता है 3-4 हजार रुपए का उस वक्त, तो वो जो पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा जेब में आना शुरू हुए ना, तो उसके बाद फिर उसकी वजह से सब कोलीग्स ने मिलकर तो छोटे छोटे ट्रिप्स करना शुरू कर, वहां से फिर 2003 से ऑनवर्ड्स तकरीबन 19 साल हो चुके हैं, तो अभी तक हर साल 2-3 चार्टर्स जितने भी हो सके तो वो करता हूँ। वहां से फिर ऐसा शौक शुरू हुआ कि वो फिर कभी भी उसने रुकने का नाम नहीं लिया, वो फिर और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया, जुनून की हद तक हो गया कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब सिर्फ उन जगहों पे जाना है जहाँ पे आज तक नहीं गया। फोटोग्राफी का शौक भी साथ साथ ही डेवलप हुआ, आपकी पिक्चर देख के मतलब मैं वाकई कहती वाओ। बहुत शुक्रिया। फोटोग्राफी जो है वो सच मेरा प्राइम शौक नहीं है, ना मेरा पैशन है, काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा और फिर उसको किया भी, लेकिन ये मेरा कभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। मैंने फोटोग्राफी के लिए, मैं हमेशा ट्रैकिंग के लिए, अपनी ट्रैकिंग को डॉक्यूमेंट करने के लिए मैंने फोटोग्राफी, और अभी रिसेंटली तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने सिंह पर वीडियोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग की शुरू की, तो सेल्फ लर्निंग है। टोटली वीडियोस देखना, यूट्यूब यूज करना, हर टूल्स से फोटोग्राफी के इंटरनेशनल एसोसिएशन से वहां से आर्टिकल्स पढ़ के और डिफरेंट जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं उनका काम देखिए, वो पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ पे शेयर करना तो भी इम्पॉसिबल है, लोग एक एक शेयर करना पसंद नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी टोटली ऑपोजिट है, वो लोग हर चीज एक एक स्टेप को खोल के एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ काम कैसे करते हैं, जगह कैसे ट्रैक करते हैं, वहां पर जाते हैं, कैमरा कैसे यूज करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, लेकिन सर उस हद तक ठीक थी जितनी मुझे जरूरत थी, अपनी ट्रैकिंग को जरूरत है, मैं पोर्ट्रेट नहीं करता,
मैं वेडिंग प्रोग्राम बिल्कुल मैं उससे कभी कभार मिला, मैं उससे माजरा कर लेता हूँ कि आई एम सॉरी, मैंने आज इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि पहले तकरीबन 2010-2011 से लेकर 2014-15 तक ये 4-5 साल में जब फेसबुक का ट्रेंड बहुत ज्यादा पीक पर गया, तब फेसबुक पेजेस ने प्रमोट करना शुरू किया पाकिस्तान। अगर आप इनिशियल फेसबुक पेजेस उठाकर देखें, आप तो खैर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डेटा इतना ज्यादा हो गया, लेकिन इनिशियल ईयर्स में मेरी और बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं फोटोग्राफर्स हैं ये पिक्चर्स के फोल्डर्स बना के उन पेजेस पे अपलोड किए गए, जिसकी वजह से उन पेजेस को अच्छा स्टार्ट मिला, बूम मिला। लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता था, कोई भी पेज एडमिन वो लोग पिक्चर उठा के अपनी मर्जी से पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूटर्स हैं या जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से पोस्ट करना चाहते हैं, उनको वो लिबर्टी नहीं थी। तो वो एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, एक हैंडीकैप था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मैसेजेस करते थे पेज एडमिन्स को कि हमारी इमेजेस पोस्ट कीजिए, हमारी वीडियोस पोस्ट करें, लेकिन वो इग्नोर कर दिए जाते थे, या कोई भी रीजन हो सकता था, लोड ज्यादा हो सकता था काम का, या वो फाइनल क्वालिटी चेक वो नहीं कट कर पाते थे। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम था, कम्युनिटी इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं थी सर। एक नीड थी, वो भी 3-4-5 लोग जितने भी पेज पर हो, तो फिर एक वो फैक्टर था। दूसरा फैक्टर था कि फिर हमें एक कम्युनिटी मिली, मारियन क्लब थे नाम से, इंडियन कम्युनिटी थी, वहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया और वहाँ पे पोस्ट करना था, क्योंकि वहाँ पे पानी गया पाकिस्तान के जो एरियाज हैं पाकिस्तान। तो वो था हम अपने ही मुल्क के लिए किसी दूसरी जगह पे जाके पोस्ट कर रहे हैं, उतना हमें कम्युनिटी को चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर ग्रुप्स कम्युनिटीज वो एक फाउंडिंग किया, उसको स्टैब्लिश किया, जो ऑपरेट है और उसमें क्या एक्टिविटीज करते ये पूरे वाले पाकिस्तान के जो स्टैब्लिश हो गए बड़ा मजा था। इस चीज को कुछ अच्छे तरीके से डिफरेंट तरीके से जाए, लेकिन वो एक ट्रेंड मार्शल चल उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग थी या बस शौक में ही सब कुछ हो गया? इनिशियली जो था तकरीबन जब तक पहले तो ये था कि विजिट्स शुरू किए, रोड ट्रिप्स वगैरह तो जैसे सब की तरह, फिर उसमें ट्रैकिंग का एलिमेंट आ गया क्योंकि ट्रैक स्पेशल ट्रैक्स करेंगे तो वो तो अफोर्डेबल ही नहीं था उस टाइम, तो छोटे छोटे वन डे ट्रैक जहाँ से आप ट्रैक करते हो रात तक शाम तक अपनी होटल में, वो उसी तरह के स्टूडेंट टाइप में हम कर सकते थे, तो वही एक लिमिटेशन। अभी कोई शॉर्ट ट्रैक शुरू किए उसमें तो कोई प्रिपरेशन कुछ कोई प्लानिंग कुछ नहीं। उसके बाद एक मेजर इवेंट हुआ था, डिस्कवरी कह सकती हैं आप इसको, वो थी पाक में, वहाँ पे ट्रेवल फोरम पाक में स्पेशल गाड़ियों की वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पर हमारे जो मेन मोहम्मद और बहुत ही जबरदस्त इवेंट ऑफ हो रहा है,
मुझे ट्रेवलॉग्स देखने के लिए शौक हुआ था, डॉक्यूमेंट देना चाहिए था उस वक्त, तो उस वक्त फेसबुक का ट्रेंड नहीं था, फेसबुक का सिर्फ ऑर्डर चलता था, फर्स्ट सोशल मीडिया कम्युनिटी इन पाकिस्तान, उससे पहले फ्लिकर हुआ करती थी, फ्लिकर वॉज टोटली फोटोग्राफी बेस्ड, वहाँ पर सिर्फ लोग अपने मौजूदा कमेंट्स किया करते थे, लेकिन फ्लिकर ने थोड़ा सा सोशल मीडिया सॉरी ऑर्बिट ने सोशल मीडिया का टच दिया, उसके बाद फिर फेसबुक पर तो वहाँ से नेक्स्ट स्टेप हुआ, डॉक्यूमेंट शुरू करना शुरू किया, ब्लॉग लिखना शुरू किए और वो माशाल्लाह से इतनी नजर आई मेरी कपल ऑफ ईयर टू टू ईयर्स में काफी तो वहाँ पर ट्रैकिंग ट्रैवलॉग लिखना है तो चीजों को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, वो जो हैपहैज़र्ड अचानक वाला प्लान्स होते थे वो फिर खत्म कर दिए, फिर चीजों को प्रॉपरली प्लान करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसर्च करके 2010-11 का ही टाइम था जब मैंने गूगल अर्थ यूज करना शुरू किया और उसको मैंने माशाल्लाह से मैं उसको इस एक्सपर्ट लेवल पे यूज कर रहा हूँ इस वक्त कि मैं अपने नए जो एडवेंचर्स होते हैं जो टेक्निकल ट्रैक्स हैं उनको प्लान करके जाता हूँ गूगल अर्थ पे इस लेवल पे कि मेरी जो एक्यूरेसी है रूट्स की वो लोकल्स की डिस्कवरी या रूट मेकिंग के साथ 95% तक मैच क्योंकि हमारे पास वेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी कैंपसाइट को इस्तेमाल के काबिल बना देंगे उन लोगों के लिए इंशाल्लाह क्योंकि इसके बाद क्या करना चाहते हैं जी आपने बिल्कुल तो वो मैंने रिसेंटली देखा था कि उसने सारा आपने गूगल अर्थ के थ्रू जो है उसको सारा बनाया हुआ था आपने उसकी खास बात ये बहुत शुक्रिया उसकी खास बात ये है कि वो जो जिस जगह पे वो पॉइंट की गई है इमेजेस वो एग्जैक्ट उसी जगह पे लिए गए हैं वो बाय एस्टिमेशन नहीं है वो बाय चांस नहीं है वो उनकी जो पिन पॉइंटिंग है जो मार्कर्स हैं वो एग्जैक्ट उसी जगह पे हैं जहाँ पे खड़े होकर वो पिक्चर्स ली गई हुई है या वो वीडियोज बनाई गई है तो वो भी वो लाइक इट्स माय एक्सपर्टीज जिसकी बेसिस पे मैं अपने ट्रिप्स प्लान करता हूँ और फिर इन टेक्निकल ट्रैक्स को शुरू करने से पहले फिजिकल चैलेंज आ गया बीच में कि नहीं अगर अब आपने 5-7 दिन या इससे ज्यादा भी ट्रैक्स शुरू करने हैं तो आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है उसके लिए मेरी मैं जो कि कुवैत बेस्ड हूँ 13-14 साल से मैं यहाँ पे हूँ तो मैं 0 ऑल्टीट्यूड से शुरू करता हूँ और विद इन 1 डे और 2 डेज मुझे नॉर्थ में जाना होता है और 3rd या 4th डे मैं ट्रैक शुरू करता मेरे लिए जो ऑल्टीट्यूड चेंज है वो 3 से 4 दिन के अंदर 10,000 फीट का तो हो ही जाता है इमीडिएट और फिर 10 से लेकर 15, 16, 17, 19 तक जो है वो नेक्स्ट 7 to 10 days के अंदर होता है डिपेंडिंग के डिस्टेंस कितना है ऑल्टीट्यूड गेन कितना है पर डे उसके लिए मैं तकरीबन 3 months की प्रिपरेशन करता हूँ यहाँ पर उसमें रनिंग है डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं जिनका मेन फोकस होता है आर्म्स शोल्डर्स और लेग्स पर स्पेशली नीज और काफ्स और शेन्स और ये जो एरियाज हैं क्योंकि आपकी लेग्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं उनका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा जब टेक्निकल क्लाइंबिंग या डिसेंडिंग वगैरह करनी होती है तब शोल्डर्स का आर्म्स का बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन है ओवरऑल स्टैमिना ज़रूरी होता है उसके लिए रनिंग जॉगिंग लेकिन कार्डियो स्टाइल ये नहीं कि आप ट्रेडमिल पे चढ़ जाएं और 45 मिनट घंटा भागी जा रहे हैं की स्पीड पे उसका कोई बेनिफिट नहीं वो उल्टा डेट्रीमेंटल है आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए तो हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें कार्डियो स्टाइल नहीं करें उसमें मिक्स अप करना होता है आपको चीजों का स्लो स्पीड फास्ट स्पीड शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम तो हमेशा जब भी प्रिपरेशन करें वो कार्डियो स्टाइल में करें ताकि आप इस मिक्सअप को आप अपनी और उसमें डिफरेंट एक्सरसाइज है रनिंग इज नॉट जरूरी है आप स्विमिंग में स्विमिंग करता हूँ रेगुलर करता हूँ फिटनेस गेन करने के लिए वेट रिडक्शन के लिए डाइट मेंटेन करता हूँ डाइट रिड्यूस नहीं करता हूँ डाइट चेंज करता हूँ तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे हाँ जी प्रिपरेशन में 3 months चाहिए वेरी वेरी पॉइंट और नॉर्मली मेरा ख्याल है हम लोग करते हैं
मैं ये हरकत कर चुका हूँ एक आधा जब मैं केटो के ट्रैक पे गया था तो बाई चांस उस वक्त एक असाइनमेंट आ गई ऑफिस में, काम का लोड बढ़ गया एकदम, तो मैं अपनी जो फिटनेस रूटीन है नहीं कर सका था। तो जो केटू का ट्रैक हमने किया था 5 बेस कैंप्स हमने 1 घूमे करने थे, नांगा पर्वत, केटू, ब्रॉड पीक, G1, G2। तो वो हमने प्लान इस तरह किया और उसमें हमने फिर ट्रायंगो टावर्स का बेस कैंप भी ऐड किया। तो हमारा प्लान थोड़ा सा डिफरेंट था, कस्टमाइज प्लान था, हमने बेस कैंप्स को टच करना था सबको। अनफॉर्चुनेटली मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता था और वो मुझे बगैर एक दिन की भी फिजिकल एक्टिविटी के मैंने वो ट्रैक शुरू किया था। और जब हम पहला हमारा फेरी वीडियो से नांगा पर्वत की अप्रोच की तो उस रात को मुझे टेम्परेचर हो गया था, हालांकि वो इजी ट्रैक है, उसमें कोई इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिटनेस नहीं थी तो उसका आपको मेजा भोगत नहीं पड़ता है। बेशक आप जितने मर्जी चैंपियन हो, अगर आप फिटनेस नहीं करके प्रिपेयर नहीं प्रिपरेशन करके नहीं जा रहे हैं तो एक छोटे से छोटा इजी ट्रैक भी प्रॉब्लम बन जाता है। फिर 2-3 रेस्ट की, फिर खांसी शुरू हो गई ड्राई का ट्रैक से पहले, वो मुझे थ्रू आउट ट्रैक को बियर करनी पड़ी। ये इम्पैक्ट इमीडिएटली हो रहे कि मुझे 14 दिन तक कंटिन्यूसली ड्राई का बियर करनी पड़ी। हर सिचुएशन में स्नोफॉल हो रही, स्नो स्टॉर्म्स भी आए, हर तरह का वेदर देखा, शरीर गर्मी भी देखी। तो वो फिर जब आपकी हेल्थ 100% नहीं है तो वो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप इस तरह के बड़े ट्रैक्स पे जा रहे हैं तो प्रिपरेशन जरूरी है। लेकिन हमारे लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखे, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती जा रही है खूबसूरत जगहों पे जाने की, वहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका क्या हल है? गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं नॉर्मली ये देखती हूँ कॉर्नर से जाना बिल्कुल दाखिल होते हैं, उन्होंने ही पकड़े होते बैग जी, हमने साफ किए हैं, इसका क्या हल है? इसमें मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोग अक्सर आपको कहते मिलेंगे कि जी शेयर मत करें, बताएं ना किसी को कि जगह कहाँ पे है। मैं उस अप्रोच के अगेंस्ट हूँ, मेरी वो अप्रोच है, मेरी अप्रोच ये है कि आप मैक्सिमम प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा जगहों को आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है, कौन कौन सी जबरदस्त इतनी जगह है। लेकिन उसके साथ हमें पहले तो सेल्फ एजुकेशन जरूरी है कि हम अपने बिहेवियर को अपग्रेड करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट नहीं कुछ कर सकती, सोसाइटीज कुछ नहीं कर सकती, क्लीनिंग वॉक्स और छोटे छोटे इवेंट्स इस तरह के कुछ नहीं कर सकते अगर हम अपनी हैबिट चेंज नहीं करेंगे। हमारा स्टाइल ये है कि जहाँ पे खाया पिया वहीं छोड़ के तो चले गए, तो बिल्कुल हमारे लिए ये रूटीन की बात है। हम घर का कूड़ा करकट भी जाके तो दरवाजे से थोड़ा साइड पर करके साफ करके दरवाजे के खड़े छोड़ आते हैं कि हमारे घर के आगे तो नहीं है ना, बस बात है। तो ये जो अप्रोच है, मेंटेलिटी है हमारी, उसको सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है। एक कैंपेन चल रही है नॉर्दर्न एरियाज में, एक डिबेट चल रही है कि यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट्स लगने चाहिए या नहीं। रिसाइकलिंग प्लांट्स की कुछ अपनी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से उसके अगेंस्ट काफी जो है रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इवेंचुअली जिस स्केल पर हम जा रहे हैं टूरिज्म को लेकर, मेरे ख्याल में अगर आपने इस्लामाबाद में एक रिसेंट एग्जाम्पल देखी होगी, उन्होंने बोर्ड्स बनाए हैं, उन्होंने रोड बनाया है रिसाइकल्ड गार्बेज से, प्लास्टिक को रिसाइकल करके उन्होंने रोड्स बना दिए इस्लामाबाद में। ये कहीं बाहर की एग्जांपल नहीं है, हमारे अपने मुल्क की, हमारे अपने कैपिटल की एग्जांपल है। तो अगर हम इस तरह के प्लांट्स को अंडर वेरी स्ट्रिक्ट सुपरविजन हम अलाउ करें, तो वो जो लोकल गार्बेज है, बेशक कोई जितना मर्जी अपहोल्ड कर रहा हो बीइंग अ लोकल इन द नॉर्दर्न एरियाज के हम सफाई का ख्याल रखते हैं, कूड़ा करकट सारा दरिया में जाता है। Being it नीलम, कुन्हार, खुंजा, सिंध, कूड़ा करकट दरिया में जाता है। ये फैक्ट है, इसको जो मर्जी डिनाई करे, ये फैक्ट है। जितना आपका कचरा है कोई डंप नहीं कर रहा, जो डंप करने का कहते हैं वो गलत बयान नहीं करते हैं, कूड़ा हमेशा दरिया में फेंका जाता है। किसी के सामने नहीं फेंका जाता, साइड पर ले जाके फेंका जाता है, लेकिन फेंका जाता है दरिया में। तो उस
अब लाइक उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो इवेंचुअली जाके एक तो वो मरीन तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पे जो भी रिवर लाइफ है उस पे, तो उसको भी डिस्टर्ब तो कर ही रहा है, प्लस वो कचरा इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाकर फंसेगा, डैम्स को गंदा करेगा, डैम्स की जो डेप्थ है उसको डिस्टर्ब करेगा और कहीं ना कहीं जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसका एक सोल्यूशन यही है कि आप जो है रिसाइकलिंग की तरफ आए, रिसाइकलिंग को प्राइवेटाइज किया जाए। गवर्नमेंट अपने लेवल पे शुरू करेगी तो मुश्किल होगा, कभी भी नहीं खत्म होगा वो प्रोजेक्ट। आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कितनी कैपेबल है, तो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, इसको प्राइवेट सेक्टर से शेयर किया जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएटिव लेकर उनको अलाउ करना चाहिए कि वो रिसाइकलिंग की तरफ आए, इस चीज को इनकरेज करना चाहिए। सही, ये वही बात आ गई गवर्नमेंट से रिलेटेड मैंने करना था कि टूरिज्म को प्रमोट करने में बातें तो हो रही हैं, हमने कुछ जगह कुछ सालों में दरियाफ्त हुई है, मतलब मंदिरें आम पर आई हैं। वही बात कि गवर्नमेंट को, जैसे आप लोग तो कर रहे हैं अपने तौर पे, गवर्नमेंट को इसके बारे में क्या इकदाम करने चाहिए। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2017 या 2018 में, इन्होंने पाकिस्तान के सारे व्लॉगर्स को इन्फ्लुएंसर्स को कॉल किया था, उसमें सिर्फ बातें हुई, पॉइंट्स रेज किए गए, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। यस, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को डेफिनेटली हाईलाइट किया है, प्रमोट किया है, कुछ एक्टिविटीज की जा रही हैं, कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन दोज आर नॉट इनफ के उसमें से आप टूरिज्म को एक तो दो चीजें हैं, एक तो सस्टेनेबिलिटी और जो स्केल अप हो रहा है वो स्केल अप आप हैंडल कर सकते हैं, यानी कंट्रोल्ड टूरिज्म होना चाहिए स्पेशली नेशनल पार्क्स में। और जो थर्ड एलिमेंट है वो ऑफ कोर्स यही है, क्लीनलीनेस और ग्रीनरी। ग्रीनरी पे डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूंगा, बहुत काम कर रहे हैं ये लोग। क्लीनलीनेस हमारा इश्यू है और उसमें हमारा अपना कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मैं नहीं गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा, मैं नहीं किसी और को ब्लेम करूंगा, वो हमें खुद को चेंज करने की जरूरत है। जो लोग सड़कों के किनारे बैठ के कुकिंग कर रहे हैं या दरियाओं के किनारे आम खा रहे हैं, वो प्लीज अपना कचरा उठाएं, लेक्स को क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें, पार्क्स को साफ सुथरा रखें, उसको डस्टबिन तक ले आए, एक मिनट भी नहीं लगता। तो ये चेंज हमें अपने आप में लाने की जरूरत है। लास्ट थिंग मुझे ये बताइए कि जो यंगस्टर्स क्लाइंबर्स हैं जो सबमिट करना चाहते हैं, मेरा ख्याल अभी तक जो मेरी नजर में है गवर्नमेंट ने उनके लिए अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा नहीं है कि जो उनको स्पॉन्सर करे, इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? मेरे अपने तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए क्योंकि उससे मोटिवेशन आती है कि वो मोटिवेट होंगे कि हाँ जी हम ये करें, क्योंकि अभी तक जो है वो सारे अपने सेल्फ उस पर ही जा रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर पे ही जा रहे हैं। इसमें दो चीजें इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है कि इंटरनेशनल जो होराइजन है उसमें जितने आपको माउंटेनियर्स मिलेंगे या प्लेयर्स मिलेंगे उनके स्पॉन्सर्स ब्रांड्स होते हैं, आपको कभी गवर्नमेंट का लोगो नहीं मिलेगा। किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी टूरिज्म मिनिस्ट्री का कहीं पे आपको लोगो नजर नहीं आएगा, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स के लोगो नजर आएंगे। गवर्नमेंट का इसमें रोल ये है कि जिस तरह क्या कहते हैं क्रिकेटर्स को या हॉकी प्लेयर्स को कुछ हद तक जॉब्स दी जाती हैं, आपको सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वहां पे एटलीस्ट उनको वो जॉब्स प्रोवाइड की जाए, एक सर्टन स्केल पे जॉब दे दी जाती है तो एक सर्टन इनकम फ्लो होता रहता है। क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये सेल्फ फाइनेंस और बहुत ही महंगा शौक कह सकते हैं आप या एक एडवेंचर है, इसमें लाइक मिलियंस ऑफ रुपीस आपको चाहिए सिर्फ एक एक्सपेडिशन करने के लिए। तो उसमें पहली बेसिक जो नीड है वो गवर्नमेंट ये पूरी कर सकती है कि वो उनको जॉब सिक्योरिटी दे दें जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। इससे आगे फंडिंग करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम इनको प्रमोट करना है, आगे लेकर आना है, अप्रिशिएट करना है। फंडिंग हमेशा प्राइवेट सेक्टर से आती है, ब्रांड्स को डाइवर्ट करने की जरूरत है क्रिकेट से माउंटेनियरिंग की तरफ या बाकी स्पोर्ट्स की तरफ, ताकि वो लोग इसको भी इस काबिल समझें कि यस
यहाँ पे भी उनको बेनिफिट चाहिए मार्केटिंग का, ब्रांड्स को, कॉर्पोरेट जो उनका लोगो है, जो जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये चीज बताने की जरूरत है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है ब्रांड्स को। ये बहुत मेजर एलिमेंट है जिसको एजुकेट नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता, ये डिस्कस भी नहीं किया जाता। ब्रांड आपके पास अगर आएगा वो आपको कुछ पैसे देगा, उसकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो एक्सपेक्टेशंस आपने कैसे उनको लाइक फीडबैक में देनी है, एज अ रिस्पॉन्स देनी है। आपने उनका लोगो सही से कैरी किया, क्या आपने पिक्चर्स प्रॉपरली बनाई, क्या आपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाकर वीडियोस बनाई जहां पे आप उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, आपने क्या वो एक्नॉलेज किया जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिला। हमारे यहाँ ये नहीं होता है या बहुत कम होता है, ये एजुकेट करना भी जरूरी है। फिर ब्रांड वापस नहीं आते दूसरी दफा कि यार यहाँ से हमें तो वो फीडबैक मिला ही नहीं। अब इसमें ये भी है कि सोशल मीडिया पे क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो बेशक वो खुद से ना भी कर रहे हो, उनके इमेजेस, ब्रांड्स, लोगोस हर जगह पे वायरल हो रहे होते हैं। तो अब लाइक रिसेंट जो कैंपेन्स हैं लास्ट ईयर की वो बहुत ज्यादा बेहतर रही हैं, लेकिन एक पूल क्रिएट करने की जरूरत है जो कि इंशाल्लाह अगले 1 से 2 साल के अंदर हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मुबीन मजहर, आपसे बातें करके और आपके आपके जो व्यूज हैं सुनकर बहुत खुशी हुई। आई होप लोग भी जो है इस इंटरव्यू से और आपकी फिर से जो है फायदा उठाएंगे। थैंक यू वंस अगेन जी। तो नाजी ये था हमारा आज का शो, आपसे अगले हफ्ते बुध की रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।